हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कॉन्टिग्यूस एलोकेशन, और इस वीडियो में हम कॉन्टिग्यूस एलोकेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिग्यूस एलोकेशन से। नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारी फाइल के ब्लॉक्स हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस में क्या दे रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। मतलब जो हमारा स्टोरेज है, स्टोरेज में हम कॉन्टिन्यूस वे में हम डेटा को जो है वो रख रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम क्लास में कई बार कह देते हैं कि स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज बैठो, तो उसमें ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि लेट्स से रोल नंबर वन बेंच नंबर वन पे बैठ गया, रोल नंबर टू बेंच नंबर टू पे, रोल नंबर थ्री बेंच नंबर थ्री पे, रोल नंबर फोर बेंच नंबर फोर पे। तो मतलब कॉन्टिन्यूस वे में वो जो है वो एलोकेट कर दिया। तो ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है कि रोल नंबर वन बेंच नंबर वन पे बैठे, जहां से भी स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली नेक्स्ट जो बेंच होगा वो नेक्स्ट रोल नंबर के लिए हम रख लेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। तो देखो, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। लेट्स से हमारे पास तीन फाइल्स है, ए बी एंड सी। डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी एक्चुअल में क्या यूज करते हैं, हम डायरेक्टरी को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टरी जो है सारी इंफॉर्मेशन, जो फाइल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है उसको कंटेन करके रखती है। तो यहां पे मैंने सिर्फ तीन ही इंफॉर्मेशन ली है, फाइल का नेम, फाइल कहां से स्टार्ट हो रही है और लेंथ ऑफ द फाइल कितनी है। मतलब हमने किया क्या है, लेट्स से हमारे पास एक फाइल है, फाइल ए, तो हमने किया क्या, उस फाइल ए को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री। तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया, ब्लॉक वन ब्लॉक टू एंड ब्लॉक थ्री। ये एक्चुअल मीनिंग किसका, लेंथ का। तो लेंथ से एक्चुअल में ये पता लग रहा है कि वो मेमोरी में स्टोरेज में कितने ब्लॉक्स जो है वो एक्वायर कर रही है, कितने फिजिकल ब्लॉक्स एक्वायर करेगी। ऐसे ही हमारे पास फाइल बी है, उसको हमने पांच पार्ट में डिवाइड किया है, फाइल सी है उसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि हम डेटा को करते क्या है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेक्टर का साइज जो है वो छोटा है और जो फाइल है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम डील कर रहे हैं गीगाबाइट्स ऑफ द डेटा, टेराबाइट्स ऑफ द डेटा में। तो ऑब्वियसली वो गीगाबाइट का पूरा फाइल एज इट इज तो स्टोर होगी नहीं, तो उसको हम डिवाइड करते हैं, सो दैट इज एक्चुअली लॉजिकल डिवीजन। तो ये जो डायरेक्टरी है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन करके रखती है। तो देखो हमने किया क्या, फाइल ए स्टार्ट कहां से कर दिया, ब्लॉक नंबर जीरो से, या आप कह सकते हो सेक्टर नंबर जीरो से। तो ये मेरे पास क्या है, डिस्क है, डिस्क के अंदर हमने इस तरीके से बना दिया। वैसे तो डिस्क आप जो है ट्रैक सेक्टर वैसे बनाते हैं, लेकिन इसको हमने सिंपल वे से यहां पे बना दिया। अब देखो डिस्क के अंदर हमारे पास ये जो है फिजिकल सेक्टर्स, द लोकेशन, फिजिकल लोकेशन जहां पे डेटा एक्चुअल में आएगा। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, फाइल ए का जो मतलब जो पहला ब्लॉक होगा वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यानी फाइल ए को हमने जीरो से लेके थ्री, थ्री का मतलब क्या है कि लेंथ थ्री। तो लेंथ थ्री का मतलब क्या है कि पहला जीरो पे डल गया, दूसरा वन पे डल गया और तीसरा टू पे डल गया। तो ये एक्चुअल में क्या है, लेंथ थ्री। तो लेंथ थ्री का मतलब क्या है कि तीन ब्लॉक है फाइल ए के। तो पहला ब्लॉक मैंने जीरो पे डाल दिया, तो दूसरा ब्लॉक कहां डालूंगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट लोकेशन क्या है वन। तीसरा ब्लॉक कहां डालूंगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट लोकेशन क्या है टू। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्टिग्यूस। कॉन्टिग्यूसली आपको डालना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कहीं पे। ऐसी देखो फाइल बी, फाइल बी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सिक्स से। तो ये रहा मेरा सिक्स नंबर ब्लॉक। अब कितनी उसको कितने ब्लॉक्स में हमने डिवाइड किया है, पांच में। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो सिक्स से स्टार्ट किया तो वन टू थ्री फोर फाइव। तो देखो सिक्स से लेके टेन तक जो है वो फाइल भी हमने स्टोर कर दी। ऐसे ही फाइल सी, फाइल सी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 14 से, और कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया इसको, चार ब्लॉक में। मतलब ये फिजिकल कितने ब्लॉक लेगी, चार ब्लॉक लेगी। तो 14 से स्टार्ट करो, वन टू थ्री फोर। तो कॉन्टिग्यूसली हमने इस तरीके से डेटा रख दिया। ये सिंपल सा मीनिंग है किसका, कॉन्टिग्यूस एलोकेशन का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना काफी आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल लेवल के हैं, लेकिन कई बार अगर हमें कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता होगा ना तो आप इसको इजीली जो है वो एक तरह से विजुलाइज नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में काम हो क्या रहा है। तो देखो पहला एडवांटेज है इजी टू इंप्लीमेंट। ये मेथड जो है वो इजी है इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि अदर मेथड्स में हम यूज करते हैं पॉइंटर्स को यूज करते हैं, रैंडमली डेटा को रख देते हैं, तो उसमें हमने पॉइंटर्स को भी यूज करना पड़ता है, या फिर इंडेक्स वाले में हमें एक्स्ट्रा इंडेक्स बनाना पड़ता है। तो यहां पे ना तो हम कोई पॉइंटर्स यूज कर रहे, ना हम कोई यहां पे इंडेक्स वगैरह बना रहे, हमने सिंपली बता दिया कि भैया जीरो से स्टार्ट करो, जितनी लेंथ है कॉन्टिग्यूसली डेटा को पुट करते जाओ। नेक्स्ट, एक्सीलेंट रीड परफॉर्मेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे हम सीक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हैं,
चाहे हम डायरेक्ट एक्सेस करें, तो ये दोनों ही मेथड जो है वो इजी है एक्सेस करने के लिए। क्यों? उसका रीजन क्या है आपको यहीं से ही पता लग रहा है। अब रीड करना मुझे डेटा को, तो देखो रीड करने के टाइम सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब है लेट से मुझे 6, 7, 8, 9, 10 सारों को रीड करना है। अब एक्चुअल में डिस्क के अंदर होता क्या है कि लेट से अगर ये मेरा एक ट्रैक है, अब उस ट्रैक में लेट से 6 नंबर ये रहा, तो 6 में हमने डेटा को डाला, नेक्स्ट ब्लॉक कहाँ है 7 पे, नेक्स्ट कहाँ है 8 पे, उससे नेक्स्ट कहाँ है 9 पे, और उससे नेक्स्ट कहाँ है 10 पे, क्योंकि हमने 6 से लेके 10 तक डाल दिया। तो ये कॉन्टिग्यूस हमने जो है वो सेक्टर्स एलोकेट कर दिए। अब देखो जब रीड राइट हेड हमारा इस पे पहुंचेगा, मतलब रीड राइट हेड जो है वो पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचेगा जिस ट्रैक पे एक्चुअल में डेटा पड़ा है, तो उसको एक सीक टाइम लगा, और उस सीक टाइम से उसने क्या, सीक टाइम क्या होता है डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंचने का टाइम, तो डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंच गया। अब डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंचने के बाद उसको अब कुछ नहीं करना, सिंपली डिस्क को रोटेट करो, और रोटेट करते ही आपको 6, 7, 8, 9, 10 सारा का सारा डेटा मिल गया। यही अगर आप डेटा रेंडमली रखते, लेट से 6 को आपने यहां पे रखा, नेक्स्ट ब्लॉक को आपने किसी और ट्रैक में रखा, नेक्स्ट को आपने किसी और ट्रैक में रखा, तो ऑब्वियसली आपको बार बार ट्रैक बदलने पड़ेंगे, और ट्रैक जितनी बार बदलोगे सीक टाइम उतना ही बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई एक्सेस टाइम इंक्रीज ना हो, हमने किया क्या, सीक्वेंशियली डेटा को रख दिया, तो जैसे ही हम एक पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंच गए बस डिस्क को घुमाओ सारा का सारा डेटा आप रिट्रीव कर लोगे। तो ये एग्जांपल एक्चुअल में ये एडवांटेज है किसकी, रीड परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट है इन केस ऑफ कॉन्टिग्यूस। और डायरेक्ट का मतलब क्या है, लेट्स से आपने नाइन्थ, आपने पूरी फाइल को एक्सेस नहीं करना, आपने सिर्फ इस फाइल के नाइन्थ नंबर ब्लॉक को एक्सेस करना है, तो अब इस केस में भी आपको इजी है क्योंकि आप 6 पे पहुंच जाओ, और उसके बाद आपको पता है कि ऑब्वियसली ये कॉन्टिग्यूस ही पड़ा है, मतलब जैसे आपने जो है क्लास में पहुंचे, आपको पता है कि क्लास में बच्चे कॉन्टिग्यूसली बैठे हैं, तो आपने जो है लेट से रोल नंबर 10 पे जाना है, तो 10 पे जाने के लिए ऑब्वियसली आप अगर रोल नंबर 1 के पास खड़े हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 10 बेंच छोड़ के ही वो बैठा होगा, क्योंकि रोल नंबर 1 बेंच नंबर 1 पे, रोल नंबर 2 बेंच नंबर 2, 3, 4, 5, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली आपको सर्च करना पड़ेगा। आप एक जगह पहुंच गए, मतलब 6 पे पहुंच गए, अब आपको पता है कि 9 जो है वो 3 लोकेशन छोड़ के ही होगा, तो 7, 8, 9 3 छोड़ के आपको 9 जो है वो मिल जाएगा। तो आप जो है चाहे डायरेक्ट एक्सेस करो चाहे सीक्वेंशियल पूरी की पूरी फाइल एक्सेस करो, आपका जो एक्सेस टाइम है वो क्या होगा, कम, या आप कह सकते हो कि एक्सेस स्पीड जो है वो फास्टर हो जाएगी। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज एक्चुअल में यहां पे क्या बन रही है, द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है जनरली दो तरीके से होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के एक्चुअल में क्या होती है, लेट्स से कि आपका जो ब्लॉक है, एक फिजिकल ब्लॉक जो डेटा हमारा जो है डिस्क के अंदर, एक फिजिकल ब्लॉक का साइज है लेट्स से 5 KB, जस्ट सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 5 KB एक डिस्क ब्लॉक का साइज है, और आपकी जो फाइल का ब्लॉक है लेट्स से उसका साइज है 3 KB, तो आपने 3 KB का डेटा उसमें डाल दिया, तो ये जो 2 KB बच गया स्पेस, ये स्पेस यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसको बोलते हैं हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो वैसे कोई तोड़ ही नहीं है, सब जगह पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी आ सकती है, लेकिन यहां पे जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो जब फाइल का साइज ही कम है तो हम ऑब्वियसली उस केस में क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें काफी पॉपुलर है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, देखो अब यहां पे आपने ये ब्लॉक डाल दिए, लेट्स से आपने 1, 2, 3 ये डाल दिया, ये भी डाल रखे हैं, ये भी डाल रखे हैं, अब आपको पता है कि आपके पास लेट्स से 3, 4, 5 ये 3 पड़े हैं, ये 3 आपके पास खाली पड़े हैं, और लेट्स से उसके बाद ये वाला खाली पड़ा है, और ये 3 आपके पास खाली पड़े हैं। अब देखो लेट्स सपोज इसके बाद हमारे पास कोई नहीं है, मतलब ये ही हमारे पास इनर ब्लॉक है, अब एक नई फाइल आई डी फाइल आई, और डी फाइल को लेट्स से चाहिए 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक चाहिए, मतलब टोटल जो उसकी लेंथ है 4 ब्लॉक है, तो देखो आपके पास ऑल दो कितने ब्लॉक खाली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स आपके पास खाली है, आपको क्लियरली विजिबल है, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 6 के 6 आपके पास कॉन्टिग्यूस नहीं है, पहले आपके पास 3 खाली है,
फिर उसके बाद डेटा है, फिर एक खाली है, फिर उसके बाद यहाँ पे दो खाली है, फिर डेटा है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास वैसे तो टोटल 6 ब्लॉक खाली है, तो 6 ब्लॉक अगर खाली है तो मेरे को अगर कोई फाइल कहती है कि मेरे को 4 ब्लॉक चाहिए या 5 ब्लॉक चाहिए तो वो आपको डाल सकने, लेकिन आप डाल नहीं सकते। रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये कॉन्टिग्यूज है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि इस 4 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक आप यहां डाल दो और 1 ब्लॉक ऐसे, नहीं, क्योंकि ये कॉन्टिग्यूज एलोकेशन है, इसको चारों ब्लॉक इकट्ठे ही चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मतलब आपके पास स्पेस अवेलेबल है लेकिन आप कॉन्टिग्यूज की वजह से डेटा नहीं डाल पा रहे। सो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द कॉन्टिग्यूज एलोकेशन, जो कि फर्दर लिंक लिस्ट या फिर इंडेक्स जो है वो रिमूव करती है, लेकिन यहां पे मेन पर्पज ही है। दूसरा, डिफिकल्ट टू ग्रो द फाइल। इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमने पहले ही बोल दिया, लेट से फाइल ए आई, उसको हमने 0, 1, 2 में डाल दिया। उसके बाद लेट से कोई और फाइल आई ई, और वो स्टार्ट की हमने 3 से, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 3 से, और लेट से उसको भी हमने 3 ब्लॉक दे दिए, तो यानी वो इजीली यहाँ पे डल गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये भर गया। अब लेट से फाइल ए कह रही है, जो 0, 1, 2 में थी, वो कह रही है कि मुझे एक थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, उसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया। जैसे हम नॉर्मल एडिट करते हैं फाइल्स में, हमने फाइल को एडिट किया, फाइल का साइज बढ़ गया। अब फाइल का साइज अगर बढ़ गया तो मैं डेटा जो है वो उसको स्पेस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि नेक्स्ट वाला लोकेशन जो है वो भरा हुआ है, नेक्स्ट लोकेशन जो है वो भर गया। अब हालांकि स्पेस अवेलेबल है लेकिन वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, वो दूर जाके कहीं पे है, तो मैं फाइल को अब ग्रो नहीं कर सकता। मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे को ए फाइल है, उसको 3 ब्लॉक चाहिए, बी को 5 ब्लॉक चाहिए, सी को 4 ब्लॉक चाहिए, लेकिन अगर ये ग्रो करती है तो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर स्पेस अवेलेबल है कॉन्टिग्यूस तब तो आप डाल सकते हो, लेकिन अगर स्पेस ही नहीं है तो वो ग्रो करने नहीं देगा। लेकिन यही अगर रैंडम होता तो लेट से आपने 3 यहां पे डाल दिए, 1 अगर उसको कह रहा है कि मेरे को 1 ब्लॉक और चाहिए यार, तो 1 ब्लॉक और चाहिए, ठीक है तू ऐसे कर, तू ये वाला ब्लॉक ले ले, लेकिन अब इसमें तो दे नहीं सकते क्योंकि कॉन्टिग्यूस ही उसको डेटा चाहिए। तो फाइल को ग्रो करना भी, उसके साइज को बढ़ाना या उसके अंदर एडिट करके कुछ और ऐड करना, जो भी, मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, स्पेशली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ऑल्दो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है लेकिन वो तो सारे केसेस में ही रहेगी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, वो तो ऑब्वियसली आपका फाइल का साइज ही अगर कम है तो उसमें आप क्या कर सकते हो। सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। थैंक यू।